इस मॉड्यूल में हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल को डिस्कस करेंगे बेसिकली वेब के अंदर हमारे पास जो एक यूज़र एक वेबसाइट को ओपन कर रहा होता है वो यूज़र उसकी मशीन उसका ब्राउज़र वी कॉन्सिडर एज अ क्लाइंट और जहाँ पे वो रिक्वेस्ट जा रही होती है जहाँ से हमारे पास कॉन्टेंट्स हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सर्वर तो होता क्या हमारे पास एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लूप चल रही होती है उसके अंदर क्लाइंट साइट से रिक्वेस्ट जारी होती है सर्वर की तरफ और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है जिस तरह आपने एक वेबसाइट रिक्वेस्ट की ओपन की अब उस वेबसाइट के अंदर कुछ टेक्सुअल कंटेंट्स होंगे वो रिक्वेस्ट हमारे पास सर्वर के पास जाएगी वो सर्वर जो है वो टेक्स्चुअल कंटेंट्स जो हैं वो क्लाइंट साइट पे सेंड कर देगा अब उस टेक्चुअल कंटेंट्स की बेस पे हो सकता है हम लोग और कुछ रिसोर्स रिक्वेस्ट करें उस वेब पेज के अंदर अगर हमारे पास कुछ इमेज हैं कुछ ऑडियो फाइल्स हैं वीडियोज हैं और हमारे पास अगर उसके अंदर जावासक्रिप्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ फाइल्स हैं कुछ एक्सटर्नल फाइल्स हैं तो उनकी रिक्वेस्ट दोबारा आ जाएगी सर्वर के पास सर्वर उन के अकॉर्डिंगली वो फाइल्स जो है या वो जो डाटा है वो हमें ट्रांसफ़र कर देगा तो ये जो हमारे पास एक क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जारी होती है और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है क्लाइंट को इसको हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लूप। अगर हम लोग सर्वर्स की बात करें तो वी हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर सर्वर्स इन वेब डेवलपमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दैम इज द वेब सर्वर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वेस्ट फॉर लिसनिंग टू द रिक्वेस्ट रिलेटेड टू द वेबसाइट जिस तरह आप ब्राउजर में अगर कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो रिक्वेस्ट आपके पास एक वेब सर्वर के पास जाएगी और वेब सर्वर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा अब वेब सर्वर जो है वो हो सकता है कि जो उसने कॉन्टेंट्स जनरेट करने हैं उसके लिए मुख्तफ़ डिफरेंट सर्वर्स को जो है वो इंगेज करें जिस तरह एप्लीकेशन सर्वर यूज़ हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास डायनेमिकली कॉन्टेंट्स जनरेट होंगे हमारे पास डाटा बेस सर्वर यूज़ हो सकता है जिसकी पेस पे वो कॉन्टेंट्स हमारे पास आएंगे जो हम लोगों ने डायनेमिकली जो है वो जनरेट करने हैं हमारे पास मेल सर्वर्स हो सकते हैं जो हेल्प करते हैं हमें ई मेल्स सेंड करने में रिसीव करने में फ्राम द वेब सर्वर हमारे पास मीडिया सर्वर हो सकते हैं जो हमारे पास स्ट्रीमिंग के अंदर हेल्प आउट करेंगे जिस तरह हमारे पास कोई वीडियो स्ट्रीम हो सकती है हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है उसके अंदर हमारे पास मीडिया सर्वर हेल्प आउट करेंगे इसके अलावा हमारे पास ऑथेंटिकेशन सर्वर हो सकते हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर हमें हेल्प करेंगे कि एक यूज़र अगर एक वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो उसे हम लोग ऑथेंटिकेट करें वी मेक श्योर दैट द यूज़र इज़ एलिजिबल टू एंटर पर्टिकुलर सिस्टम uh, और वहाँ से वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस uh, कर सके तो उसके लिए हमारे पास ऑथेंटिकेशन सर्विस जो है वो यूज़ हो सके जो एक अगर हमारे पास एक छोटी वेबसाइट होगी तो मे भी ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास एक वेब सर्वर के लिए जो हमारे पास एक मशीन है वो मशीन ही इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो हैंडल कर रही है लेकिन डेफिनेटली वेन द वेबसाइट ग्रोज तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है ऑन टू डिट म जो हमारे पास बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उसके लिए हमारे पास सर्वर फॉर्म्स भी यूज होते हैं विच कंटें हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स और उसके अंदर हमारे पास एक लोड बैलेंसिंग का मेकनिज़म यूज़ होता है लोड बैलेंसिंग के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास एक क्लाइंट जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है जिस तरह हम लोगों ने कहा कि वी वॉन्ट टू ओपन अ पर्टिकुलर वेबसाइट तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास लोड बैलेंसर के पास जाएगी अब लोड बैलेंसर ये देखेगा कि कुछ रिक्वेस्ट को वो डायरेक्ट कर देगा एक वेब सर्वर पे कुछ को डायरेक्ट कर देगा दूसरे वेब सर्वर पे कुछ को तीसरे वेब सर्वर पे तो हमारे पास एक मशीन के ऊपर सारा लोड नहीं जाएगा द लोड वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट वेब सर्वर और जब हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं एक वेबसाइट के तो ये लोड बैलेंसिंग हमारे लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि एक सिंगल मशीन जो होती है वो हमारे पास इन रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकती ये लोड बैलेंसिंग वेब सर्वर लेवल पे भी हो सकती है और जो हम लोगों ने डिफरेंट सर्वर्स अभी देखे हैं उनके लेवल पे भी हो सकती है जिस तरह अगर हमारे पास डेटाबेस uh, बेस है और वी हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स यूजिंग अवर वेबसाइट तो व्हाट वी कैन डू वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अवर डेटा बेस ऑन टू डिफरेंट मशीन्स उसके अंदर रेडेंडेंसी भी हो सकती है और फिर डाटा बेस लेवल पर अगेन हमारे पास लोड बैलेंसिंग हो जाएगी जिसके अंदर हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट जो हैं वो हमारे पास एक सर्वर के पास चली जाएंगी कुछ रिक्वेस्ट जो हैं वो हमारे पास दूसरे सर्वर के पास चली जाएंगी तो इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वे के अंदर अपनी जो लोड होता है एक मशीन के ऊपर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अगर हम लोग सर्वर फॉर्म्स को देखेंगे उसके अंदर हमारे पास क्या होता है तो इन देंड सर्वर इज अ कंप्यूटर लेकिन वो हमारे पास एक स्पेशलाइज कंप्यूटर होता है जिस तरह ये जो अभी आपको सेटअप नज़र आ रहा है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सर्वर रैक इस रैक के अंदर हमारे पास बहुत से बहुत सी डिफरेंट मशीन्स हो सकती हैं ठीक है थीके? जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे फाइबर चैनल स्विचेस नज़र आ रहे होंगे जो रैक इस रैक के अंदर जो मशीनस हैं और जो हार्डवेयर है उसे मैनेज करने के लिए एक अलहदा से सर्वर होगा Uh, फिर हमारे पास इसका एक पूरे रैक के लिए एक कीबोर्ड और uh, मॉनिटर का एक पैनल होगा वो यूजुअली हमारे पास जो है वो पुल आउट हो जाता है फिर उससे हम लोग दोबारा जो है वो पुश करके हम लोग उसको रैक के अंदर जो है वो डाल सकते हैं uh, पैच पैनल हो हो सकता है जिसके अंदर हम हम लोग मुख्तु केबल्स को जो है वो हम लोग कनेक्ट uh, करते हैं uh, अब यहाँ पे आप अगर आप देखें तो आपके पास एक आपको प्रोडक्शन uh, वेब सर्वर नज़र आ रहा है एक आपको डाटा सर्वर नज़र आ रहा है आपको स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क नजर आ रही हैं ठीक है थीके? तो अब आपके पास एक रैक के अंदर आपके पास मल्टीपल मशीन्स होती हैं तो जब हमारे पास स्केलेबल वेबसाइट्स होती हैं जब हम लोग अपने वेबसाइट्स uh, के हमारे बहुत ज्यादा यूजर्स हो जाते हैं तो वी हैव टू मूव ओवर वेबसाइट टू अ लार्जर सेटअप एंड दिस इज जस्ट अ जैसम्स ऑफ अ लार्जर सेटअप इनफैक्ट हमारे पास जो डाटा सेंटर्स होते हैं उसके अंदर आपको इस जैसे कई सर्वर रैक्स नज़र आएंगे विच वुड कॉन्टेन लाइक लिटरली थाउजेंड्स ऑफ मशीन थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स तो यहाँ पे आपके पास एक पूरा आपको एक डाटा सेंटर नज़र आ रहा है डाटा सेंटर के अंदर जो सर्वर्स हैं जिन रैक्स के अंदर वो हमारे पास इंस्टॉल हुए हैं वो सिर्फ एक उसका हिस्सा होगा इसके अलावा हमारे पास उसकी हमें एयर कंडीशनिंग चाहिए होगी आ, हमें उसके अंदर बैकअप जनरेटर्स चाहिए होंगे हमें सिक्योरिटी का उसके अंदर सेटअप चाहिए होगा मे बी वी आल्सो नीड यू पी बैटरीज तो पूरा एक हमारे पास डाटा सेंटर जो है वो बेसिकली हमारे पास सर्वर रैक्स होंगे उसके अंदर सर्वर रैक्स के अंदर हमारे पास मुख्तिक सर्वर्स होंगे और वो हो सकता है हमारे पास एक वेबसाइट को या मल्टीपल वेबसाइट्स को सपोर्ट करने के लिए होस्ट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं